एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर विच वी वर कंटिन्यूइंग इन प्रीवियस वीडियोस। सो हियर द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस पार्ट वन। दिस इज वी आर लर्निंग अंडर हिस्ट्री पोर्शन एंड दिस इज योर फर्स्ट नॉट सेकेंड चैप्टर। द पार्ट इज वन ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ओके, सो द सेकेंड चैप्टर वी हैव फिनिश मोस्टली हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ सेम चैप्टर। आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ द शेल्टर द फूड हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर अर्ली ह्यूमंस इन एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, व्हाट वर देयर लाइफ स्टाइल एट्सेट्रा। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे फिर कैसे उन्होंने हैमर्स बनाना सीखा, टूल्स बनाने सीखे, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। टूल्स का फिर यूज़ कैसे कैसे किया गया, ह्यूमंस ने फायर डिस्कवर की, अर्ली रॉक पेंटिंग्स फिर बनाई गई। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। अर्ली ह्यूमंस चिप्ड फ्लिंट एंड अदर स्टोन्स टिल दे एक्वायर्ड द डिज़ायर्ड शेप। फ्लिंट स्टोन्स क्या होते हैं? ऐसे स्टोन्स जिनको पीट पीट कर एक नया शेप दिया जाता है। बोथ बिग एंड स्मॉल स्टोन्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। सभी छोटे व बड़े पत्थरों से भी वेपन्स बनाए जाते हैं, जैसे नाइफ्स, चाकू है, स्क्रैपर है, स्पीयर्स है, एरोज हैं, एट्सेट्रा। ओके, इन सब का यूज़ उन्होंने किया हंटिंग एनिमल्स के लिए। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे, बस अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए उन्हें फूड चाहिए रहता था, दैट दे हैव टू अरेंज फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। फिर उनको टूल्स बनाने कैसे आए? अर्ली ह्यूमंस यूज टू टेक्निक्स। पहले स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि स्टोन को स्टोन पर रगड़ने से, पीटने से उन्होंने एक नए नए आकार के टूल्स बनाए। प्रेशर फ्लेकिंग, इन दिस द स्टोन टू बी चिप्ड वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस सच एज अ रॉक, और स्टोन शार्पेंड फ्रॉम वन एंड वॉज कैप्ड ऑन द फर्स्ट स्टोन। ओके, एक नुकीले पत्थर से दूसरे पत्थर को आकार देना, ऐसे उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए, जिससे उन्होंने शार्प एंड ब्लंट सरफेसेस के टूल्स बनाए। यूजेस क्या हुए उनके? द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट ट्रीज, स्क्रैप द बार्क्स ऑफ ट्रीज, गड्ढों को खोदना, एनिमल्स को मारना, स्टिच एनिमल स्किन्स, जानवरों की खालों को सिलना, पहनने लायक बनाना, फ्रूट्स काटने के लिए, तोड़ने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। ओके, फिर क्या हुआ? ह्यूमंस ने डिस्कवरी की फायर की, आग की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमंस वाज ऑफ फायर। सबसे जो बड़ी डिस्कवरी कहलाई वो फायर की थी, जो कि ह्यूमंस ने की थी, अर्ली ह्यूमंस ने। इट विल नेवर बी नोन हाउ इट हैपेंड, लेकिन अभी तक ये नहीं जाना गया है कि ये कैसे हुआ, उनको कैसे आइडिया आया। लेकिन ये बताया जाता है कि जो टू फ्लिंट स्टोन थे उनको आपस में रब किया गया, एक्सीडेंटली स्पार्क हुआ, यानी कि अचानक से चिंगारी निकली। ओके, ऑन सम ड्राई लीव्स लाइंग नियर बाई, और उसके आसपास जो भी सूखी पत्तियाँ पड़ी थी वो जलने लगी। पत्थर नहीं जला, चिंगारी से जो पत्तियाँ थीं वो जलने लगीं, और परहैप्स लाइटिंग स्टक अ ट्री एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स। और कहा जाता है कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकी और वो पेड़ों पर गिरी और आग लग गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस लर्न द यूजेस ऑफ फायर, लेकिन फिर लोगों को आगे आते आते फायर के यूजेस भी आए, कैसे उनको क्या क्या काम में लिया जाता है। इट प्रोवाइडेड लाइट एंड कैप देम वार्म। पहले जो यूज़ हुआ वो बस यही था कि रोशनी के लिए फायर का यूज़ हुआ और उन लोगों को गर्माहट देने के लिए। अर्ली ह्यूमंस कैप्ट अ फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव्स टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स। वो अपने गुफाओं के बाहर रात भर आग जलाया करते थे ताकि जो जंगली जानवर हैं वो डर के मारे वहाँ से वापस लौट जाए। दे ऑल्सो फाउंड दैट फायर कुड बी यूज टू कुक फूड, और फिर वो जानवरों को मारकर उसमें पकाया करते थे। दिस मे हैव हैपेंड एक्सीडेंटली, अ पीस ऑफ रॉ मीट माइट हैव फॉलन टू फायर एंड गॉट रोस्टेड, इट वुड हैव टेस्टेड गुड। और फिर आग जल रही थी, उसी में क्या हुआ,
मीट का कच्चा पार्ट थोड़ा सा आग में गिर गया और उसको टेस्ट किया गया तो अच्छा टेस्ट आया, तो लोगों ने फिर कच्चा मीट खाना बंद कर दिया, फिर उसको पका कर खाया करते थे। फिर हुआ रॉक पेंटिंग्स, मैनी केव्स हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स। रॉक पेंटिंग्स क्या, पहले जो भी गुफाओं की दीवारें हैं, जो भी क्रिएटिविटी थी, जो भी उनको सही लगता था, जो भी मन में आता था आइडिया, वो उनको ड्रॉ किया करते थे, और वो रॉक्स पेंटिंग हुई, वॉल पेंटिंग हुई। दे मे ऑल्सो हैव बीन डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन्स। ओके, कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स वगैरह होते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी वॉल पेंटिंग्स की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट भिम्बेटका। भिम्बेटका इन मध्य प्रदेश, ये रीजन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वो बहुत ही फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए। वहाँ पर लगभग 750 रॉक शेल्टर्स, नियरली 500 ऑफ विच हैव पेंटिंग्स, ठीक है ना, 750 रॉक शेल्टर्स रहते थे जहाँ पर 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हुई हैं। वो कलर्स यूज इन द पेंटिंग्स आर रेड, ग्रीन, वाइट एंड ओक्र। ओके स्टूडेंट, द पेंट्स वर परहैप्स मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स टिल दे बिकेम पाउडर। बहुत सारे रॉक्स को ग्राइंड किया जाता था जब तक कि वो पाउडर ना बन जाए, फिर उनको वाटर के साथ मिक्स करके थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस मिला के रेजन्स वगैरह, जो गाद होती है प्लांट्स का, लेटेक्स होता है, उसको मिला करके उन्होंने कलर तैयार किए थे। द डिकिन, मैनी प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द डिकिन। सम ऑफ दीज आर इन बोरी, मरगांव, चिरकी, निवासा, इसमपुर, गिनोर, सुस्वात, नासरे, येदुरवाड़ी एंड अट्टियम पक्कम। ऑल दीज साइट्स आर कैरेक्टराइज बाय द डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस। वहाँ पर हाथों से कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, चॉपर्स बनाए गए, स्क्रैपर्स और सारे टूल्स भी बनाए गए। हंसकी एंड बाइजबाल वैली इन द डिकेन ऑल्सो हैव मैनी स्टोन एज साइट्स। और वहाँ पर जो दो और प्लेसेस बताई गई हैं, हंसकी एंड बाइजबाल, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टोन एज साइट्स हैं। इफ़ बोथ द लार्ज एंड द स्मॉल वंस आर टेकन इन टू अकाउंट, द नंबर वुड क्रॉस 200। मतलब 200 से ज़्यादा भी साइट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी। द स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक साइट्स ऑफ द डिकेन आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक विद द पास्ट। ओके स्टूडेंट, तो जो भी टूल्स वहाँ पर पाए गए उनका कुछ ना कुछ रिलेशन हिस्ट्री से, यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के साथ पहले के एंशियंट जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके बारे में बताया कि वो यहाँ पर भी रहा करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। नाउ यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर, ओके, इन योर बुक एंड सेंड इट टू माई पर्सनल नंबर एज सून एज यू विल कंप्लीट इट। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स।